हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। देखिए, आप जानते हैं कि 10 मार्च को जो धरना प्रदर्शन किया जाएगा उसके क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं। आज मैं उन मुद्दों पर बात करने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। देखिए, आप जानते ही हैं कि ये धरना प्रदर्शन क्यों किया जा रहा है। ये इसलिए किया जा रहा है कि जो सरकार ने हमसे वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर पा रहे हैं। पूरे 5 वर्ष बीत चुके हैं लेकिन अभी तक इनके वादे ही पूरे नहीं हो पाए हैं। तो इसको लेकर के युवा मंच के अध्यक्ष अनिल सिंह जी ने ये बेड़ा उठाया है कि 10 मार्च को एक धरना किया जाएगा जो कि युवाओं के हित में होगा, युवाओं के पक्षधार में होगा। आप जानते हैं कि ये मुद्दे क्या हो सकते हैं। देखिए, पहला मुद्दा जो है वो है आपका टीजीटी पीजीटी का जो एग्जाम डेट है उसको लेकर के। दूसरा मुद्दा है जो हमारा शिक्षा सेवा आयोग है उसको 12 मार्च से पहले पहले गठित करा दें, क्योंकि 12 मार्च के बाद आचार संहिता लग जाएगी। अगला मुद्दा है आपके जो 25,000 सीटें आई हैं उनको लेकर के हैं। अगला मुद्दा है LTGIC का नया विज्ञापन और LTGIC की सेकंड लिस्ट जारी करें। ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं, मुद्दों की मांगों को सरकार के आगे रखा जाए। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस आयोग के लिए, अपनी परीक्षा के लिए, अपने नए विज्ञापन के लिए इस धरना प्रदर्शन में शामिल हों। काफी समय से ये धरना चल रहा है लेकिन सरकार ने अभी तक इस पर कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया है और ना ही इनकी मांगों को पूरा किया गया है। तो कहीं ना कहीं सरकारी दबाव में है क्योंकि चुनाव सिर पर हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अभी समय है अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस धरना प्रदर्शन में शामिल होइए और इस वीडियो को दूर दूर तक शेयर करें, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जिसका जो हक है वो हक उसे मिलना चाहिए। ठीक है, आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।